सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम लोग कुछ एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, तो सीधे लिखते हैं माना कि चौड़ाई को हम लोग कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग मानते हैं एक्स चौड़ाई का कोई वैल्यू मात्रक होता है, तो मात्रक उसका क्या होता है, मीटर, चौड़ाई लंबाई मीटर ही होता है ना, सेंटीमीटर भी होता है बट क्षेत्रफल की दृष्टि से मीटर ही होता है, तो लिखते हैं मीटर। और यहाँ पे दिया हुआ भी है मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखिए लंबाई मीटर में, तो ये हुआ मीटर। अब लंबाई बोला गया है क्षेत्रफल चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कितना हुआ लंबाई कितना हुआ एक्स, इसका दो गुना किसका, चौड़ाई का दो गुना टू प्लस एक अधिक हो गया दैट्स मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लोग क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते ही होंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुने बी चौड़ाई गुने लंबाई, तो चौड़ाई गुने लंबाई कितना है 228 मीटर। मीटर तो आपको समझ में आ जाएगा सीधे कितने कैसे कैंसिल होगा सो, तो मीटर हम चौड़ाई हम लोग का कितना है एक्स और लंबाई है 2x प्लस 1 टू 528 को गुना करते हैं सीधे 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528 2x स्क्वायर एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। इतना ही आगे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट ये तोड़ना नहीं है, इतने ही में ये आंसर है ना। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, इसका दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो पूर्णांक जानते होंगे, तो फर्स्ट पूर्णांक हम लोग अपने से मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक कितना माने एक्स, दो क्रमागत बोला गया तो दूसरा क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये जिस ऑर्डर पे रहता है उसको क्रमागत करते हैं, तो क्रमागत हो गया एक्स, ये हमारा पहला था, सेकंड उसमें प्लस वन ऐड, तो क्रमागत ये हुआ एक्स, तो इसका हमें कितना दिया गया है गुणनफल, गुणनफल कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गुणनफल इक्वल टू 306, इसका गुणनफल तो हमें गुणनफल मतलब गुना, तो इन दोनों को गुना करेंगे एक्स, एक्स प्लस वन इक्वल टू 306, इसको गुना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 दैट